बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का यह ख्याल सुनके कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपका मोबाइल पानी से भीग जाए और आप ये बात सर्विस सेंटर वाले को ना भी बताएं, तो भी उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मोबाइल में एक व्हाइट कलर का वाटर इंडिकेटर लगा होता है, जो कि पानी के कॉन्टेक्ट में आते ही पिंक कलर का हो जाता है, जिसे उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है, आप चाहे बताएं या ना बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल के पानी से भीगते ही प्लीज आप उसे स्विच ऑन ना करें और ना ही उसे पंखे के आगे रखें। इनफैक्ट अगर आप मॉइस्चर को सुखाना ही चाहते हैं तो आप उसे चावल के पैकेट में डाल दें, क्योंकि चावल में मॉइस्चर को सोखने की प्रॉपर्टी होती है, जिससे आपका मोबाइल बच सकता है। ये दोनों फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है बुगाटी, और बुगाटी पूरी ही दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स बनाने के लिए फेमस है। और इन कारों के लिए अब जो मैं आप लोगों को फैक्ट बताने वाला हूं, उसको सुन के शायद आपके होश फाकता हो जाएंगे। एक बुगाटी कार में एक टायर की कीमत लगभग 10 लाख रुपए होती है। ओह माय गॉड, इतने में तो शायद हम लोग एक बढ़िया लग्जरी कार खरीद लेंगे इंडिया में। इसके अलावा अगर आपको एक बुगाटी कार में इंजन ऑयल को चेंज करवाना पड़ जाए तो उसके लिए आपको 14 लाख रुपए ढीले करने पड़ सकते हैं। ओह माय गॉड, इसी वजह से बुगाटी कंपनीज की कारों की कीमत 17 करोड़ रुपए से तो शुरू होती है। क्या आपको भी ये कार्स पसंद है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आज मैं आप लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर वन, किसी भी फोटोन को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी फोटोन को सन की कोर से सन के सरफेस तक आने में 40,000 सालों का समय लगता है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर टू, मंगल ग्रह लाल क्यों है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जंग। मंगल ग्रह की सरफेस पर फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है, जो कि जंग यानी कि रस्ट बनाती है, और वही रस्ट उसके एनवायरनमेंट में फ्लोट होती रहती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह आपको लाल दिखता है। ये दोनों फैक्ट आपको कैसे लगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस आप कौन सी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऑब्वियसली इंडिया में। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया के अलावा आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को 21 अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, 21 कंट्रीज में। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, इसमें आता है यूएस, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूके, और उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो लाइसेंस प्रिंटेड होना चाहिए और उस पर जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने लेजर लाइट तो देखी होगी। अब हमको ये पता है कि लाइट एकदम सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, बेंड नहीं होती, लेकिन लेजर लाइट को आप पानी के साथ बेंड कर सकते हो, और ये काम आप घर पे भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप एक काम करिए, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बोतल लीजिए और उसमें नीचे से थोड़ी ऊपर एक छेद कर दीजिए। अब उसमें पानी भरिए। जब आप पानी भरेंगे तो छेद से पानी बाहर निकलेगा। अब बोतल की दूसरी तरफ से उस पर लेजर लाइट डालिए, तो आप देखेंगे कि पानी के साथ साथ लेजर लाइट भी बेंड हो रही है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब आप एक काम करिए, घर पे इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, और करने के बाद चैट सेक्शन में आके लिखिएगा कि आप इसमें सक्सेसफुल हुए कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।